नेक्स्ट खर्चा आता है हमारा ट्रांसपोर्ट, बहुत तगड़ा फाइन भी लगा सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखना, ये आपको देखना है कि आपको इंडिया से अपना लेकर आना है या फिर इस खर्चे को कोई अकाउंट नहीं कर पाता, बट मैं आपको बताती हूँ ये खर्चा इज ऑफ वेलकम टू माई चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। सो आप में से काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दुबई में 2024 में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, दुबई के खर्चे, तो आपके क्या क्या खर्चे होंगे, किस किस, आपका कितना रेंट जाएगा, आपका क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा, अगर आप सपोज कपल हो तो कपल के क्या खर्चे होंगे, अगर आपके साथ आपका कोई बेबी है, कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है तो उसके स्कूल की फीस एंड ऑल एवरीथिंग। सो क्या दुबई के खर्चे हैं इस टाइम पे, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में। जब हम दुबई आए थे तब दुबई और जो रुपीस का कन्वर्जन रेट था वो 20 रुपए था, 1 दिरहम जो दुबई की करेंसी है वो 20 रुपए के बराबर थी और आज की डेट में वो 24 रुपए है, 24 रुपीज़ है कन्वर्जन रेट। आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सो ऐसे में क्या दुबई के खर्चे हैं, आप दुबई को अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, दुबई में सर्वाइवल क्या पॉसिबल है या नहीं, सो आज हम इस टॉपिक पे सारे एक्सपेंसेस बताऊंगी। सो मैंने भी अपने रजिस्टर में एक्सपेंसेस का लिखा हुआ है ताकि मैं कोई हेड भूल ना जाऊं आप लोगों को बताना। सो आपके लिए भी ये अच्छा होगा कि आप एक पेन और एक पेंसिल एक पेपर लेके बैठ जाओ और एक एक करके सारे खर्चे आप लिखते जाओ। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड हेल्प मी टू ग्रो ताकि मैं आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अपने चैनल पे डेली बेसिस पे लाती रहूं। जो सबसे पहली बात आती है खर्चे की वो आती है घर का रेंट, घर का किराया कितना है। दुबई में अगर आप सैलरी पे हो तो आपकी सैलरी का एक मेजर चंक, आपकी सैलरी का जो सबसे मोटा हिस्सा है वो जाता है आपके दुबई के घर के किराए में। दुबई हाउस रेंट बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस है, का रेंट आपकी लोकेशंस के हिसाब से डिफर करता है। सो आपको जो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए आपको रहना किस जगह पर है। आपको अगर अपने आपका जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है, जहाँ आपका ऑफिस है, अगर आप उसी के आसपास अपना घर ढूंढते हो सो ऑब्वियसली आपका ट्रैवल उसमें बचेगा, जो आपका आने जाने का किराया लगेगा, खर्चा लगेगा वो आपका बच जाएगा। लेकिन अगर वो लोकेशन प्राइम हुई तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं आपको सपोज अपने एरिया की बात बताऊँ तो जिस एरिया में हम रहते हैं ये काफ़ी प्राइम लोकेशन है। यहाँ से आपका चाहे दुबई मॉल है या मॉल ऑफ एमिरेट्स या बीचेस या आप कहीं पे भी जो दुबई के मेन हॉटस्पॉट्स हैं, अगर आप वहाँ जाते हो हमारी इस लोकेशन से तो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में आप पहुँच जाते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारी लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है और प्राइम लोकेशन है। तो जो हमारी लोकेशन है वो टीकॉम है, बर्षा हाइट्स। तो अगर मैं आपको जो रेंट्स बता रही हूँ वो बर्षा हाइट्स के हिसाब से बता पाऊंगी। बर्षा हाइट्स में जो हमारा एरिया है यहाँ पे जो 1 BHK का रेंट है, 1 BHK में एक डिसेंट साइज बेडरूम होता है, एक लॉब लिविंग रूम होता है और एक किचन होती है। किचन डिपेंड करता है कि वो आपकी क्लोज किचन हो सकती है और ओपन किचन भी हो सकती है, जैसे हमारे केस में ही हमारी ओपन किचन है। 1 BHK का जो टीकॉम में जो रेंट है इस टाइम पे इट्स अराउंड 70 to 75,000 dirhams पूरे साल का, 70 से 75,000 1 BHK पूरे साल का है। और अगर आप 2 BHK लेते हो तो 2 BHK का रेंट इज 90,000 to 95,000 पूरे साल का, दिरहम्स में बता रही हूँ मैं आपको ये रेट। अगर आप यही 1 BHK अगर आप बरदुबई साइड या डेरा साइड या करामा साइड, जो हमारे थोड़े से दुबई के पुरानी दुबई है, उस साइड पे जाके रहते हो सकता है आपको 1 BHK वहाँ पे 50,000 या 60,000 तक का भी आपको मिल जाए। सो इट डिपेंड्स आप कौन सी लोकेशन पे रहते हो, कौन सी लोकेशन को अपने हाउस के लिए चूज करते हो। सो इसीलिए कहते हैं दुबई में आप रेंट से बेटर आप प्रॉपर्टी बाय कर लो, सो दैट आप जो आपकी रेंट की इंस्टॉलमेंट हर महीने जाती है 6,000-4,500 dirham की, वो आप लोन की इंस्टॉलमेंट में दे दो और एक आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, आपका घर रेडी हो जाता है, जो आपका खुद का घर होता है। सो इसलिए दुबई में प्रेफर करते हैं लोग कि आप इंस्टॉलमेंट पे लोन पे अपना घर खरीद लो इंस्टेड ऑफ पेइंग दैट अमाउंट इन रेंट। सो ये होता है पॉइंट। अच्छा वो बाद में करेंगे। सो ये हो गया हाउस रेंट दुबई का। अब आता है सेकंड खर्चा इज डेवा। डेवा मींस दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो जो बिजली और पानी का दुबई में बिल आता है वो साथ में आता है और वो डेवा अथॉरिटी से आता है। तो सर्दियों में जो डेवा का बिल आता है वो बहुत कम आता है, ऑलमोस्ट अराउंड 500 से 600 dirham, जबकि गर्मियों में वो बिल 700-800, 850 dirham तक भी जाता है, एक महीने का बता रही हूँ मैं आपको ये। ऑन एन एवरेज आप जो डेवा का बिल है वो 600 dirham मान के चलो, एक महीने का आपका डेवा का बिल आएगा जिसमें आपका बिजली और
पानी दोनों इंक्लूड हो। नेक्स्ट जो आपका बिल आता है वो आता है गैस सिलेंडर का बिल। दुबई में सिलेंडर्स भी यूज होते हैं और गैस पाइपलाइन भी यूज होती है। अब सिलेंडर का जो है वो उसका मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज हमारे यहाँ पे गैस पाइपलाइन है। सो गैस का जो बिल आता है वो जैसे इंडियन कुकिंग में हम लोग कुकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इस चक्कर में हमारा जो गैस का बिल आता है वो बहुत ज्यादा आता है कंपैरेटिवली टू जो फॉरेन हाउस होल्ड होते हैं, बिकॉज वो लोग जनरली रॉ फूड सैलेड्स एंड ब्रेड्स वगैरह ज्यादातर खाते हैं। सो उनकी जो कुकिंग का जो गैस का बिल आता है वो बहुत कम आता है, और हम इंडियंस एंड पाकिस्तानीज और जो हमारा बांग्लादेशी जो हमारा एरिया है हम लोग कुकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली सिम कुकिंग स्लो कुकिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है। सो इसलिए हमारा गैस का बिल बहुत आता है। अब बहुत से आप लोग डर मत जाना कि लाइक कितना बिल आता होगा। सो गैस का जो बिल आता है वो आता है 80 से 100 दिरहम के बीच में आता है एक महीने का। अगर आप बहुत ज्यादा कुकिंग करते हो तो भी आपका गैस का बिल 80 से 100 दिरहम आता है, तो आप मान के चलो जो फॉरनर्स है उनका तो 40-45 दिरहम आता होगा एक महीने का। सो इसके कंपेरिजन में हम लोगों का इंडियंस का बिल डबल आता है। सो ये हो गया थर्ड खर्चा, हो गया आपका गैस का बिल। फोर्थ जो आपका खर्चा आता है वो आता है वाईफाई का बिल। वाईफाई दुबई में ऑब्वियसली आपको पता होगा दुबई में इंटरनेट सर्विसेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, या फिर जो सेलुलर सर्विसेज है कॉलिंग है वाईफाई है इंटरनेट है वो दुबई में अभी भी एक्सपेंसिव है। इंडिया में इतना सस्ता जहां पर कॉलिंग हो चुकी है लाइक आप 300-350 रुपए में आप एक महीने का पैक ले लेते हो, वही यहां पर जो है वाईफाई का बिल 400 दिरहम का आता है एक महीने का। हमारा जो वाईफाई का बिल आता है वो आता है ऑलमोस्ट 400 दिरहम्स का, जो हमने पैक लिया हुआ है वाईफाई का एक महीने का आता है वो। सो इंडिया के ऑलमोस्ट हो गए 8 से 8,500 रुपए हो गए एक महीने के। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट खर्चा आता है वो आता है हमारा कॉलिंग का खर्चा, सिम का खर्चा, जो हमारा टेलीफोन का बिल आता है। अगर आप नॉर्मल एक हाउसवाइफ हो या आप घर में ही रहते हो, ज़्यादातर आपका वर्क फ्रॉम होम है, सो आई विल सजेस्ट कि आप इंडिया जो आप कॉल करते हो या आप नॉर्मल कॉलिंग्स करते हो वो आप वाईफाई पे कॉलिंग करो और सेलुलर कॉलिंग कम करो, बिकॉज वाईफाई का एनी विच वेज आपको बिल देना ही है। तो आप वाईफाई से एक कोमेरा ऐप होती है, एक बोटेम ऐप होती है, और बिकॉज दुबई में व्हाट्सएप पे कॉलिंग करना अलाउ नहीं है, सो यू कैन नॉट डू व्हाट्सएप कॉलिंग, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर सकते हो, बट आप दुबई में व्हाट्सएप कॉलिंग इज बैन। आई विल सजेस्ट आप नॉर्मल कॉलिंग अगर आप बाहर कर रहे हो आउट ऑफ दुबई तो आप वो वाईफाई कॉलिंग प्रेफर करो, एंड अगर आप फिर भी आपको सेलुलर कॉलिंग चाहिए सो उसके जो प्रीपेड के जो प्लान्स शुरू होते हैं वो 20 दिरहम से स्टार्ट हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी कॉलिंग करनी है आप उस हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हो। पोस्टपेड के जो मिनिमम बिल आते हैं वो आते हैं 150 दिरहम का, पोस्टपेड का एक महीने का बिल आता है, उसके हिसाब से आप प्लान्स अपना चूज कर सकते हो और अपना पोस्टपेड नंबर इशू करवा सकते हो अपनी एमिरेट्स आईडी पे। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है वाटर बिल। दुबई में जो ड्रिंकिंग वाटर है ना वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। हम जो दुबई में पानी मंगाते हैं, ओ अच्छा पानी की बॉटल दिख भी रही है आपको, ये बॉटल दिख रही है ये वाली कैरेट, ये 20 लीटर की कैंपर होता है, कैंपर जो भी कहते हैं इसको, 20 लीटर की ये बॉटल होती है और ये जो आती है ये 7 दिरहम्स की आती है। सो अगर आप भी दुबई आते हो तो आपको ये जो बॉटल्स होती है सबसे चीपर पड़ती हैं और ये फिल्टर्ड वाटर आता है। सो आप सीधा इसको नॉर्मल आप पी सकते हो ग्लासेस में डाल के। इसके ऊपर पंप आता है, एक पंप आई थिंक 15-20 दिरहम टाइप्स का वो पंप आता है। सो आप वो पंप लेके आप पंप वो इस बॉटल्स में ऊपर से लगा के वो भी यूज़ कर सकते हो, या आप वाटर डिस्पेंसर्स भी बाय कर सकते हो जो हॉट एंड कोल्ड वाले डिस्पेंसर्स आते हैं। सो हम ये वाली बॉटल मंगाते हैं। सो ये बॉटल का प्राइस होता है 7 दिरहम्स एक बॉटल का। सो ऑलमोस्ट जो पानी का बिल आता है ड्रिंकिंग वाटर का वो आता है हमारा 50-60 दिरहम मान लो एक महीने का जो अगर बिल आता है तो, क्योंकि ये बॉटल आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन योर कंजम्पशन चलती है तो आप उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि जो पहले हमने आपको डेवा का बिल बताया वाटर बिल वो टैप वाटर बताया था जो आपका वॉशिंग के लिए या डिश वॉशिंग के लिए आपके कपड़े धोने के लिए आपके वॉशरूम्स में यूज होएगा, वो ड्रिंकिंग कंजम्पशन के लिए नहीं होता है अनलाइक यूएस एंड यूके जहां पर आप नॉर्मल टैप वाटर को ड्रिंक कर सकते हो। आप दुबई में नॉर्मल टैप वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते हो, आपको ड्रिंकिंग वाटर की फिल्टर्ड वाटर मंगानी पड़ती है। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है ग्रॉसरी का एक्सपेंस। दुबई में जो ग्रॉसरीज है वो डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। जैसे हम लोग वेजिटेरियन है तो जो हमारा ग्रॉसरी का ऑन एन एवरेज एक महीने का जो बिल आता है फॉर अ कपल एंड अ चाइल्ड ऑफ 4 ईयर्स ओल्ड, सो 1200 दिरहम एक महीने का। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोग, क्योंकि ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन जो मीट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, सो जो नॉन वेजिटेरियंस का जो बिल आएगा वो आएगा 1300-1400 दिरहम एक महीने का, डिपेंडिंग अपॉन योर कंजम्पशन। आप दिन में कितनी बार नॉनवेज खाते हो या हफ्ते में कितनी बार खाते हो वो सब चीज़ें वेरी करती हैं। और जनरली आप लोग जब ग्रॉसरी लें तो आप लोग प्रेफर करें कि जो ऑनलाइन एप्स होती हैं, नून डिलीवरी हो गई, या फिर जब मॉल्स कैरेफोर्स और जो ये जो
ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं इनमें ऑफर्स लगते हैं, इनमें सेल्स लगती हैं, डिस्काउंट्स लगते हैं वीकेंड्स पर एंड स्पेशल ओकेजन्स पे। तो आप ट्राई करा करो कि ऑफर्स में बाय करो, जैसे बाय टू गेट वन फ्री आप उसमें ले आओ, क्या कहते हैं, बल्क में अगर आप सामान लेकर आओगे तो वो आपको ऑफर के प्राइसेस चीप भी पड़ते हैं और कॉस्ट वर्दी रहता है। सो ये एक तरह से आपकी बोनस टिप होगी। इस टिप के लिए अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट खर्चा इज योर ऑफ हाउस हेल्प। दुबई में मेड्स मिलना इजी है, जैसे यूएस और यूके में मेड्स नहीं मिल पाती हैं, दुबई में मेड्स मिल जाती हैं जो हाउस हेल्प्स होते हैं हमारे क्लीनिंग एंड डिश वॉशिंग एंड एवरीथिंग पर्पज़ के लिए, वो मिल तो जाते हैं लेकिन जो उनके प्राइजेज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप सपोज आप एक घंटे के लिए हाउस हेल्प को बुलाते हो तो एक घंटे के जो दुबई में चार्जेस हैं इट रेंजेस फ्रॉम 800 से 1000 दिरहम। अब उस एक घंटे में आप सफाई भी करवा सकते हो, उनसे बर्तन हो गए या आपके क्लोथ्स हो गए, आपकी लॉन्ड्री हो गई या कुकिंग हो गई या कुछ भी, आप वो डिपेंड करता है आप उनसे वन आवर में आप उनसे की क्या आप हाउस हेल्प की सर्विसेज ले रहे हो। और संडेज को आपको उनको ऑफ देना होता है, सो संडे इज उनका वीकली ऑफ। लेकिन दुबई में हाउस हेल्प का रेट अगर आप देखो इंडिया के कंपेरेटिवली 800 दिरहम हो गए एक महीने के आपके ऑलमोस्ट 17,000 रुपये। 17,000 रुपये में आप इंडिया में तो मैं जो मुझे लगता है शायद आई थिंक 5 या 6 में हाउस हेल्प्स अपने घर में रख लोगे और अपने हिसाब से उनसे काम करवाओगे कि यहाँ से सफाई नहीं हुई या वहाँ से सफाई नहीं हुई, जबकि दुबई में आप हाउस हेल्प्स को टोक नहीं सकते, वो अपने हिसाब से सफाई करेंगे, अपने हिसाब से टाइमिंग्स पे आएंगे एंड अपने हिसाब से एक घंटा होते ही वो अपना टाइम से चले जाएंगे, आप उनसे 5-10 मिनट भी आप ऊपर नहीं लगवा सकते हो। सो आप सोच सकते हो दुबई में हाउस हेल्प्स इज सो एक्सपेंसिव, अपने इंडिया से भी अपनी हाउस हेल्प्स लेके आ सकते हो अपने खर्चे पे, तो आपको उस केस में आपको उनका वीज़ा प्रोवाइड करना होगा, उनका मेडिकल इंश्योरेंस, उनका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा एंड सब कुछ आपको उनका बेयर करना होगा। सो वो आपकी कॉल है, आप इंडिया से अपना हाउस हेल्प लेके आना चाहते हो या दुबई से ही जो हाउस हेल्प सर्विसेज होती हैं वो लेते हो। और अगर आप सपोज हाउस हेल्प अपने फुल डे के लिए रखते हो, अपनी कोई नानी रखते हो अपने बच्चे के लिए या अपने पूरे घर के, सपोज आप फुल टाइम आप वर्किंग में हो, आप घर का सारा काम नहीं कर सकते हो, तो अगर आप फुल डे के लिए कोई हाउस हेल्प रखते हो तो उनके चार्जेस होते हैं 2500 से 3000 दिरहम एक महीने के। सो ऑलमोस्ट आपके 60,000 रुपये हो गए एक महीने के। सो ये है फुल डे वाली जो नानीज होती हैं, फुल डे वाली जो हमारी हाउस हेल्प्स होती हैं उनके चार्जेस। सो इससे बेटर होता है अगर आप फुल डे के लिए अगर आपको रखना है तो आप उनको इंडिया से लेकर आओ, क्योंकि जो अगर आप इंडिया से उनको लेकर आते हो तो उसके चार्जेस, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक महीने के 60-70 हज़ार से तो कम ही होंगे। सो आप ये अपने हिसाब से, आप ये आपको देखना है कि आपको इंडिया से अपना लेकर आना है या फिर आप यहीं पे नैनीज रखते हो या हाउस हेल्प रखते हो। सो ये था हमारा हाउस हेल्प का खर्चा। नेक्स्ट खर्चा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है अभी तो आप कैब सर्विसेज लोगे। आई विल सजेस्ट यू टू प्रेफर मेट्रोज एंड लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज इंस्टेड ऑफ कैब्स, बिकॉज दुबई में कैब सर्विसेज बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। मान के चलो अगर आप वीकेंड पे भी बाहर जाते हो या आप सपोज सुबह ऑफिस कैब से जाते हो और मेट्रो से वापस आते हो तो आपका कैब का खर्चा कम से कम 1200 से 1300 दिरहम एक महीने का आएगा ही आएगा। यहीं अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो आप अपना मेट्रो का कार्ड बनवा सकते हो, नॉल कार्ड जो होता है वो आपका कार्ड बसेस में भी चलता है, तो आप वो नॉल कार्ड अपना बस एंड मेट्रो दोनों में यूज कर सकते हो। सो वो आपको चीपर ऑप्शन पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कैब्स। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है स्कूल का खर्चा। अगर आपका बेटा बच्चा है, अगर आपका सपोज चाइल्ड है, तो अगर आप उसको स्कूल भेजते हो, नर्सरीज का जो दुबई में खर्चा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है एज कंपैरेटिवली टू आपके जो हाई स्कूल्स होते हैं। तो जो अगर आपका बच्चा सपोज नर्सरी जाता है, दैट इज नर्सरी या केजी, प्री केजी या किंडरगार्टन टाइप्स वाले स्कूल्स में, सो उसका खर्चा आपके आवर्स के हिसाब से मिनिमम 3000 से 5000 दिरहम होता है एक महीने का। येस गाइज, दुबई में नर्सरीज बहुत एक्सपेंसिव हैं। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, वो नॉर्मल हाई स्कूल जा रहा है जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो वो डिपेंडिंग अपॉन बोर्ड, आप कौन सा बोर्ड चूज़ करते हो, CBSE लेते हो या IB लेते हो या ब्रिटिश बोर्ड लेते हो या कैनेडियन बोर्ड लेते हो, उसके हिसाब से फ़ीस होती हैं। सबसे जो चीपेस्ट प्राइस होता है वो ऑब्वियसली हमारा CBSE बोर्ड की फ़ीस है, लेकिन चीपेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा चीप नहीं है। CBSE की जो फ़ीस है वो एक महीने की अगर आप देखो तो आपके बच्चे की 1500 से 2000 दिरहम के बीच में फ़ीस होती है, 1500 से 2000 दिरहम एक महीने की CBSE की फ़ीस है। सो हमने जो बोर्ड चूज़ किया हुआ वो CBSE चूज़ किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली CBSE बोर्ड का काफ़ी फ़ायदा है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। सो उसकी मैं एक अलग से वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो मैंने पहले
भी बनाई हुई है, मैं वो दोबारा भी बनाऊंगी कि सीबीएसई बोर्ड वर्सेज आईबीएन ब्रिटिश बोर्ड, वो वीडियो भी मैं जल्दी बना के उसको अपलोड करूंगी, तो वो भी आप लोग जरूर देखना। सो ये थी आपकी स्कूल की फीस। सो गाइज, जो आपकी सैलरी है उसमें से जो सबसे पहला मोटा खर्चा जाता है ना, वो जाता है आपके हाउस रेंट को, और आपकी सैलरी का जो दूसरा मोटा खर्चा निकल रहा है, जो एज इट इज जा रहा है, वो जा रहा है स्कूल फीस को बच्चे की। सो जो दो ये खर्चे होते हैं, हाउस रेंट एंड स्कूल फीस, ये सबसे बड़े और सबसे मोटे खर्चे होते हैं जो आपकी सैलरी को लिटरली बिल्कुल मतलब हैंडफुल छोड़ देता है, आप ये मान लो। सो ये दो खर्चे बहुत बड़े खर्चे हैं दुबई में। सो आप लोग अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चूज करना कि आपको कहाँ रहना है और अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस कॉस्ट ऑफ लिविंग की पहले देखी थी जब हम दुबई शिफ्ट नहीं हुए थे, उसमें किसी ने भी मुझे मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा नहीं बताया था। जनरल जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है वो दुबई में उसका खर्चा ऑलमोस्ट 2,500 पर ईयर की इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी पड़ती है, जिसमें आपका जो कंसल्टेशन फीस होती है और जो आपकी फार्मेसी की जो को पेमेंट होती है वो बहुत नॉमिनल से 10-20% रह जाती है, जो कि अफोर्डेबल होती है। सो आप अगर साल में 2,500 की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हो अपने स्पाउस की और अपने चाइल्ड की, जो कि कंपलसरी है, क्योंकि दुबई में इंश्योरेंस लेना, मेडिकल इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। अगर गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, सो वो आप पे बहुत तगड़ा फाइन भी लगा सकते हैं और आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखना, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेना। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है ईटिंग आउट्स या वीकेंड्स का खर्चा। जो ये वीकेंड्स का जो खर्चा होता है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप हर वीकेंड बाहर जा रहे हो या महीने महीने में कितने वीकेंड आपको बाहर जाना है, कितनी बार आपको घर पे खाना ऑर्डर करके मंगाना है। सो अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक बार का जो वीकेंड का जो खर्चा आता है वो 200 से 250 दिरहम, इंक्लूडिंग कैब्स एंड ईटिंग आउट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिला के मैं बता रही हूँ। 200-250 दिरहम एक बार के आउटिंग का आता है। सो आप मिनिमम मान के चलो कि आपका जो एक साल का जो खर्चा आएगा, एक महीने का जो खर्चा आएगा, चार अगर आप सारे वीकेंड्स पे बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेट कर लो, 800 से 1,000 दिरहम तो आपके वीकेंड्स के खर्चे में ही निकल जाते हैं। सो ये हो गया आपके वीकेंड का खर्चा। जो खर्चा मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ शॉपिंग का खर्चा। अगर मैं आपको अपना बताऊँ, सो मैं ऑनलाइन शॉपिंग, मुझे एक्चुअली शॉपिंग ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मुझे दोनों ही शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात, नॉर्मल शॉपिंग के खर्चे की अपनी बात करो, और ये खर्चा जो है सबका डिपेंड करता है, कुछ लोग शॉपिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये डिफरेंशिएट करता रहता है। लेकिन अगर मैं आपको अपना बताऊँ, क्योंकि इस टाइम मैं सारे खर्चे आपको अपने बता रही हूँ, जैसे डिपेंड करता है आप कितनी सेल्स पे लेते हो, कितने ऑफर्स में से ले रहे हो या कितने डिस्काउंटेड सामान ले रहे हो, कहां से शॉपिंग कर रहे हो, प्रॉपर हाई एंड्स बाय कर रहे हो या नॉर्मल ब्रांड्स बाय कर रहे हो, और कहां से आप शॉपिंग कर रहे हो। सो अगर आप नॉर्मल खर्चा मान के चलो शॉपिंग का, वो आप अपने एक महीने का 1,000 से 1,500 दिरहम मिनिमम मान के चलो जो आपका शॉपिंग में खर्चा होगा। सो ये भी अपने खर्चे के लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना, इसको भूल मत जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। नेक्स्ट खर्चा जो आता है और लास्ट जो खर्चा आता है हमारा, और इस खर्चे को कोई अकाउंट नहीं कर पाता बट मैं आपको बताती हूँ, ये खर्चा इज ऑफ ट्रिप टू इंडिया। इंडिया आपको साल में जैसे ऑफिस से छुट्टियाँ मिलती हैं या आप जब अपने होम कंट्री जाते हो, जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पे जब आप जाते हो तो उसकी टिकट्स का खर्चा होता है, वो तो आपने सोचा ही नहीं, वो खर्चा कहाँ से आएगा, वो खर्चा भी तो आपकी सैलरी से ही आएगा ना। अगर आप दुबई से इंडिया की टिकट्स आप देखो, सो जो वो टिकट्स आती हैं वो आपके यहाँ 10,000 से 12,000 रुपये की एक बार की टिकट आती है। सो अगर आप राउंड ट्रिप देखो तो 20,000 से 25,000 रुपये हो गए आपके एक बार के टिकट के खर्चे। अगर आप 3 पर्सन हो या सपोज 2 पर्सन हम कपल का मान के चलें, सो 50,000 रुपये हो गए आपके इंडिया जाने के एक बार के खर्चे। 50,000 रुपये हो गया आपका दिरहम में अगर हम देखें तो 2,500 दिरहम्स। सो आप सोच रहे हो 2,500 दिरहम आपके इंडिया की ट्रिप पे भी लग रहे हैं, और अगर आप सपोज साल में 2 बार इंडिया जा रहे हो तो 1,00,000 रुपये तो आपके डायरेक्ट एज इट इज 1,00,000 रुपये हो गए आपके, 5,000-5,500 दिरहम्स तो आपके एज इट इज अपनी होम कंट्री की ट्रिप की टिकट्स में चले जाएंगे। सो ये भी एक ऐसा खर्चा है जो लोग भूल जाते हैं और अपने खर्चों की लिस्ट में ऐड नहीं कर पाते, और फिर वो जब वो खर्चा पड़ता है तो वो सारा हमारा बजट हिल जाता है। सो ये खर्चा भी अपनी खर्चे की लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना गाइस। एंड ये थी कॉस्ट ऑफ लिविंग की वीडियो, दुबई के खर्चों की वीडियो। मैंने एक एक खर्चा आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एंड अगर आपको स्टिल किसी खर्चे की कोई आपको डाउट है, कोई आपको एक्सपेंस से रिलेटेड डाउट है या आपको कोई दुबई से रिलेटेड डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट।
And yes, this was the cost of living video for Dubai for 2024. क्या आपके दुबई के खर्चे होंगे? आप प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए एंड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज. आई लव यू ऑल एंड थैंक यू. कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस. बाय.